हेलो एवरीवन, कुरलेज किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता। आज मैं बनाने जा रही हूं रगड़ा पैटीज। तो इसके लिए हमें लगेंगे एक कटोरी सूखे मटर, आप चाहो तो फ्रोजन का भी यूज कर सकते हो। ये करीब 250 ग्राम है। इसे मैं पहले अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद पानी में भिगो के रख दूँगी 6 घंटे के लिए। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और पानी डाल के रख दिया है। अब मैं इसे 6 घंटे के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पर करीब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। देखिए, अब मैं इसे इसका सारा पानी निकाल दूंगी। निकाल दिया है। अब इसको दूसरा पानी डाल के इसे अच्छे से धो लूंगी, उसके बाद इसे कुकर में डाल दूंगी। मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसे फ्रेश पानी डाल दूंगी। करीब मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास जितना पानी डाला है। देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसे 5 सीटी होने तक पकाऊंगी। पहली सीटी मैं हाई फ्लेम पे लूंगी और बाकी के 4 सीटियाँ मैं लो फ्लेम पे लूंगी। तब तक हम पैटीज कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिया है, करीब आधा किलो से भी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं 2 स्लाइस निकाल दूंगी और इसे मैश कर दूंगी। देखिए, मैंने मैश कर दिया है। ये 2 जो आलू है रगड़ा में डाल देंगे। अब इसी में मैं डालूंगी 100 अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने लिया है सूजी यहाँ पर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए, मैंने इसे मिला दिया है। यहाँ पर मुझे करीब आधा कटोरी जितना सूजी लगा है। आप चाहो तो इसे हाथ से भी मिला सकते हो, आटे की तरह गूंद भी सकते हो। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम रगड़ा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर 5 सीटियाँ हो चुकी है। देखिए, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम रगड़ा बनाएंगे। रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। इसे ऐसे छोटे छोटे से काट लिया है। तेल, 2 स्लाइस उबले हुए आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, नींबू, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने लिया है पावभाजी मसाला। यहाँ पर अब मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। 2 बड़े चम्मच में तेल डालूंगी। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, अब इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। अब मैं इसे ढक दूंगी 1/2 मिनट के लिए। 1/2 मिनट हो चुका है। हरी मिर्च डाल देंगे। मुझे यहाँ टमाटर पकाने के लिए करीब 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर मेरा कुकर ठंड हो चुका है। जो मटर के जो ऊपर के जो छिलके हैं वो हम निकाल देंगे। देखिए, मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर दूंगी
आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है। अब मैं इसे ग्रेवी में डाल दूंगी। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए इस तरह से हो गया ये। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर दो बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला यूज करेंगे, एक चम्मच नींबू का रस। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर दो हमने आलू के जो स्लाइस रखे थे वो हम ग्रेवी में डाल देंगे मैश करके। ये आलू मैंने इसमें डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और 5 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैं लगभग आधा ग्लास जितना गर्म पानी डाल दूंगी। देखिए ये हमारा बनके तैयार है अब रगड़ा। अब हम बनाएंगे पैटीज। यहाँ पर अब मैं हथेली में थोड़ा सा तेल लगा के छोटे छोटे पैटीज बनाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पर मेरा पैन गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं सारे कटलेट्स यहाँ पर रख दूंगी। अगर आपके कटलेट का आटा बहुत ही पतला लूज हो गया है तो उसमें और थोड़ा सूजी डाल दीजिएगा। देखिए मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। अब मैंने इसे दोनों साइड से पका लिया है। मैं इसे अब सर्विंग प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए मैंने निकाल दिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने यह लिया है प्याज, हरी धनिया और शिव। अब मैं इसमें रगड़ा डाल दूंगी। देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी प्याज, हरा धनिया और सेव। देखिए मैंने डाल दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है रगड़ा पैटीज। थैंक यू।